खूनी दलदल में नैनीता भी लाश बनी। दहेज की खातिर हर घर में नारी टूटी आस बनी। कोई जाकर उनसे पूछो कैसे वंश चलाएंगे। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से लाएंगे। साथियों, हम सभी जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम लोगों ने सभी धर्मों के विवाह को देखा है। रिश्ता देखने से लेकर विवाह के मंडप तक हम सबके मन में क्या बातचीत चलती है वो कोई नहीं जानता सिवाय हमारे। मन के उसी बातचीत को और साथ में समाज के सच्चाई को नाटक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं हॉस्पिटल ग्रुप के सदस्य। नाटक का शीर्षक है आदर्श भारतीय विवाह। स्टार्ट। वेलकम संस्कारी नर्वसनेस बनावटी स्वागत। आइए। वैसे आज ये हमारा तीसरा घर है। उम्मीद है कि आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लायक होगा। हाँ, ये है लड़के की माँ। 2 लाख की सेट पहनती है पर टमाटर वाले से 2-2 रुपए के लिए भी झगड़ती है। ओ ये वीमेन। और ये मेरा बेटा पंकज। तेरा है पर मेरा है। हाय मेरा बच्चा। वैसे आपकी लाइबिलिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शादी के चक्कर में पिछले हफ्ते ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवाया था जबरदस्ती। अभी आंसू पोंछ रही होगी कहीं। पूनम बेटा शो टाइम। बेटा ये जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपने घर का नौकरानी बनाने आए हैं। लीजिए डेमो लीजिए समोसा चक्के। इसका कैरेक्टर जज कीजिए। नमक थोड़ा कम है और ये बताना हमारा धर्म है। तो पंकज बेटा तुमने अपने जिंदगी में क्या तीर मारा है? वैसे तो कुछ नहीं लेकिन ब्ला 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 MBA ब्ला 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 आई हैव डन द MBA ब्ला 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 मैंने MBA किया है ब्ला 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 MBA। वाह बेटा। अरे क्या हुआ? चलो अच्छा है बेटा तुम लोग अंदर जाके 15 मिनट में सोलमेट बन जाओ। हम लोग तब तक दहेज के बारे में बात कर लेते हैं कि दहेज कैसे देना है, नेट बैंकिंग या फिर कैश ऑन डिलीवरी। देखिए भाई साहब, हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं। लड़की के पिता का दर्द समझते हैं। हमें तो बिटकॉइन भी चलेगा। EMI फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। वैसे भाभी जी हमारी बेटी ने भी MA टॉप किया है। उसके बाद भाई साहब हू केयर्स। ठीक है तो फिर लूट ही लीजिए। पूरी जिंदगी जो भी जमा किया है सब तो आप ही लोगों के लिए। PA ग्रेचुटी सब लूट लीजिए। अच्छा बेटा तो क्या डिसाइड किया? डन समझी जी। क्रिस मुबारक हो। चाहिए नानिया रोटी चाहिए नानिया बोटी मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी। अरे बकरा आ गया। आइए।
कहिए सर, आज आपको कैसे लूटूं? बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड हो, थोड़ा तो दाम घटाओगे? बला जो टली सर से। आपकी बेटी ने मुझे लूटा, आपको थोड़ा तो लूटना बनता है अंकल, सो आपके बजट का डबल प्राइस। ठीक है, पहले तो मैं कहूँगा इन्फ्लेशन है, मार्केट भी डाउन है, इससे सस्ता तो नहीं हो पाएगा। फिर फेक कॉल में बिजी होके कस्टमर को टालने की कोशिश भी करूँगा। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो ठीक ही होगा। काश पूनम इसी के साथ भाग जाती। अच्छा तो फिर वही कहते हैं जो हर निगोशिएशन के अंत में लोग कहते हैं, ना तेरा ना मेरा, बट एक्चुअली मेरा। अरे बकरी आई है हलाल होने, आइए आइए बैठिए। अरे ओ चाइल्ड लेबर, भाभी जी बहुत खर्च करने वाली है, इम्प्रेस करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स तो लेके आ। लाया मालिक, देखिए कुछ ऐसा दिखाइए कि लड़के वालों को लगे हमारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। ये देखिए भाभी जी, लेटेस्ट टैकी कलर नंबर वन, ये आप पहले ही रिजेक्ट करने वाली हैं, इसीलिए इसको पहले ही दिखा रहा हूँ आपको। मुझे इसे देख के उल्टी आ रही है। अरे वो गांव से आए हुए थर्ड कजिन, जरा ऊपर चढ़ के नकली डिजाइनर माल तो फेंक। जी मालिक। डिजाइनर भाभी जी, दिन में 100 लोग यही नौटंकी करते हैं और मैं सबको यही कहता हूँ, लास्ट पीस। पापा की तो लग गई। पंडित मंत्र रोक। ये क्या भाई साहब, अभी फाइनल ट्रांजैक्शन के टाइम पे आप पूरा डाउन पेमेंट भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मेरी पगड़ी आपके पैरों पे रख रहा हूँ, थोड़ा तो वक्त दीजिए। वक्त से याद आया, घड़ी तो आपने कही थी रोलेक्स के देंगे, लेकिन ये तो ओएलएक्स से खरीदा हुआ सेकंड हैंड माल लग रहा है। मैं डाउरी की दुनिया का क्राइम मास्टर गोगो हूँ, आया हूँ तो लूट के जाऊंगा। वही लड़के के बाप, बाकी पेमेंट के लिए थाने चल। अरे सर जी, ये डाउरी नहीं है, ये तो छोटा सा गिफ्ट है। पापा, एक दिन की मुश्किल से शादी हो रही है, वो भी आपकी लालच से होने से रही। हो रही है, हो रही थी पास्ट टेंस। मतलब हमारी बेटी तो कैटिंग वाले के साथ भाग चुकी है। चलो अच्छा है, तो इनका क्या करें? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दहेज लेने आए थे, खुद दहेज बन के जा रहे हैं सरकार की आलीशान ससुराल में। धन्यवाद, हमारा नाटक यही समाप्त होता है।